सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को, और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं उपदेश चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के 49,568 पदों के बारे में। जी हाँ, केवल बात करने वाले 49,568 पदों के बारे में, और यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कट ऑफ को लेके। यहाँ पे जो टॉपिक कवर होंगे वो कट ऑफ, रिजल्ट और आपका फिजिकल और नॉर्मलाइजेशन, ये सभी टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूँ कट ऑफ के बारे में, रिजल्ट कब अनाउंस होगा, फिजिकल कब होगा और नॉर्मलाइजेशन का क्या फंडा रहेगा। तो ये चारों चीज़ों को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं और पूरा कम्प्लीटली आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई होप आपके जितने भी डाउट होंगे वो डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी एनालाइज करने के बाद और काफ़ी फुल एफर्ट्स लगाने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि एक आपको अच्छी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया 49,568 के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं कट ऑफ को लेके। तो देखिए, पहली बात तो एक चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी अगर आपको बताते हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ साथ वो कितनी ज़्यादा सटीक है, कितनी ज़्यादा सही है, कितनी ऑथेंटिक है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो एक्सपेक्टेड मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ वो एकदम इतने नज़दीक है उसके कि बहुत ज़्यादा, हालांकि इसमें थोड़ा ऊपर नीचे होगा, वो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपके साथ कम्प्लीटली आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम कट ऑफ देख लेते हैं। तो कट ऑफ के लिए मैं आपको यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरी मेल एंड फीमेल। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जनरल कैटेगरी की, कि जनरल कैटेगरी में अगर आपके कितने नंबर तक हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप मानिए 200 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ फीमेल की तो 175। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में, तो ओबीसी कैटेगरी में बात करूँ तो 190, यानी 190 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा। और वहीं फीमेल की बात करूँ तो 175, क्योंकि एक ही कट ऑफ लगाई गई थी फाइन स्टार्टिंग में, और वही आपकी कट ऑफ लगाई जाएगी जो कि जनरली सबके लिए एक ही होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जो कट ऑफ होने के चांसेस हैं वो हैं 170, और फीमेल की बात करें तो वहीं 175। एसटी के लिए अगर बात करें, एसटी मेल के लिए तो 140 कट ऑफ होगी, वहीं फीमेल के लिए 175। तो देखिए, यहाँ पे मैं सबसे बड़ी बात बता देता हूँ आपको पहले ही, कि जो मैं ये कट ऑफ लेके चल रहा हूँ ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन लेके चल रहा हूँ। अगर यह नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो काफ़ी चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन अगर हो जाए तो जनरल वाला 170 ला के सिलेक्शन पा जाए, और हो सकता है एससी वाले को 200 ला के सिलेक्शन पाना पड़े। तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस पॉसिबल हैं, तो इसीलिए मैंने आपको जो अभी कट ऑफ बताई है वो बताइए विदाउट नॉर्मलाइजेशन। जब ये नॉर्मलाइजेशन होगा उसके साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होने वाला है। तो पूरी चीज़ें अभी कम्प्लीटली देख लेते हैं। तो विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, नॉर्मलाइजेशन को लेके भी यहाँ पे मैं आपके साथ बातें करने वाला हूँ और क्लियर आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, एक्स सर्विस मैन वगैरह के लिए जितनी कम कट ऑफ रखी जाए उतना ही कम है, 105-115 मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। वहीं पर होमगार्ड की बात करूँ 40-45% पे हो जाएगा, फ्रीडम फाइटर 35-40% पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे शेयर कर ली हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ नॉर्मलाइजेशन को लेके। नॉर्मलाइजेशन को लेके अगर देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जनरल वाला बंदा 170 मार्क्स ला के भी सिलेक्शन पा सकता है। जी हाँ, उसका प्रूफ देने की मेरे को ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है लास्ट वाली भर्ती 41,520 में सभी को प्रूफ मिल चुका है। ऐसे कैंडिडेट भी सिलेक्टेड हुए हैं जिनके जनरल में इतने कम मार्क्स थे, और बंदे ओबीसी वालों के मार्क्स ज़्यादा थे, 200 थे, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वहीं पे जनरल की बात करें तो जनरल वाला बंदा 170-175 मार्क्स ला के वहाँ से सिलेक्शन लिया है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो। मैंने जो आपको मार्क्स बताए हैं वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर आपको बता दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको विदाउट नॉर्मलाइजेशन देखना है। उसके बाद साथ में ये बात जरूर ध्यान में रख के चलनी है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी आपका किया जाएगा। चलिए, अभी और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी एक बार देख लीजिए। फिर
कट ऑफ कम जाने के कारण नेगेटिव मार्किंग का होना सबसे बड़ा कारण है कि बहुत अधिक मेरिट नहीं जाएगी। नंबर टू बात आ जाती है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का अभी मैंने पूरी आपको रिमाइंड थी जो बताई कि भाई नॉर्मलाइजेशन ऐसा टॉपिक बन गया है कि आज के टाइम में बहुत लोगों के लिए सरदर्दी भी बन गई और बहुत लोगों के लिए किस्मत भी बन गया है। ये समझ लीजिए जिन लोगों को लगता नहीं था कि अपना सिलेक्शन हो जाएगा और वो लोग नॉर्मलाइजेशन की वजह से लेके सिलेक्शन चले गए, भाई मेरे हिसाब से तो नॉर्मलाइजेशन की अगर कहीं में मूर्ति मिलती हो तो ला के घर में रख लेना, पूजा करते रहना। चलिए अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो इस परीक्षा परिणाम में नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी असर आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है अधिक अंक वाले को मौका ना मिले और कम अंक वाले अभ्यर्थी को मौका मिल जाए। तो देखिए पहले ही मैं आपके साथ ये डिस्कस कर चुका हूँ कि इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रख के चलिएगा। अभी आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये चीज़ आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपके मार्क्स आपको जॉब दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे, ये डिसाइड करेगा TCS, ठीक है। क्योंकि TCS के ही हाथ में सब कुछ है, वो किसके मार्क्स बढ़ाएगा, कौन सी शिफ्ट की बढ़ाएगा किसी को नहीं पता। हो सकता है अभी आपके 140 मार्क्स आ रहे हो और आप हो रहे हो परेशान और पता चला आपके मार्क्स हो गए 180 और जो 180 लेके आया उसके 180 की 180 रहे और वो बंदा सिलेक्शन ही नहीं ले रहा और आप उससे भी ऊपर पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है, इसलिए अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका सिलेक्शन इतने मार्क्स पे होगा या नहीं होगा। विदाउट नॉर्मलाइजेशन होता है तो जो मैंने आपको कट ऑफ बताई डेफिनेटली वही रहेगी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है, नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको प्रभाव ये देखने के लिए मिल जाएंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं कि रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट के बारे में मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैंने एक इन्फॉर्मेशन अपलोड की थी अभी कुछ दिन पहले, 10-15 दिन हुए होंगे मैक्सिमम। उसके बाद से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आई और आप देखेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे से मैच होती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी वो कितनी सही थी। तो देखिए परिणाम जारी होने की बात करें तो आपको पता ही होगा कि भर्ती बोर्ड चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये भर्ती अब क्लियर हो जाए, क्योंकि 41,520 वाला जैसे ही मैटर सॉर्ट आउट होगा तुरंत ये चाहेंगे कि इनकी भर्ती भी पूरी कंप्लीट हो जाए 49,568 वाली। लेकिन सबसे बड़ा अड़ंग आता है कि उनके पास संसाधनों की कमी है, जिसकी वजह से एक साथ ट्रेनिंग नहीं करवाई जा सकती, यही सबसे बड़ी कमी है। तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको बता दूं कि जून के अंतिम सप्ताह तक आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, जून के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। जी हाँ, 2019 के बीच में, बीच की बात कही थी, 2019 के बीच में आपके परिणाम जारी होंगे। तो जून यानी 6 मंथ है आपका, तो बीच में आपके परिणाम जारी कर दिए जाएंगे, जून लास्ट तक आपके रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखिए फिजिकल की बात आ जाती है कि फिजिकल आपका कब होगा और कैसे आपको तैयारी करनी है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, मेरा मानना है कि जो फिजिकल के लिए पास हो गया समझो नौकरी पक्की, क्योंकि बस फिजिकल में पास कर ले इससे अच्छा अवसर किसी के लिए नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपके कुछ अंक कम भी आ रहे हैं तब भी आप फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि देखिए इस बार मैं आपको बता दूं लगभग 8,000 वैकेंसी आपको पता है प्लस हैं लास्ट वाली भर्ती से, और वो भी सभी सिविल पुलिस में। जी हाँ, तो सिविल पुलिस में जाने के ज़्यादा चांसेस हैं 49,568 वालों के लिए, तो बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो फिजिकल स्टार्ट होंगे वो जुलाई अगस्त में आपके फिजिकल करवाए जा सकते हैं, जुलाई अगस्त में। ये पूरी इन्फॉर्मेशन एक एक्सपेक्टेड नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद और बहुत सारी चीज़ों को सोचने समझने के बाद ही ये जो डाटा है आपके साथ शेयर किया जा रहा है। आई एम डेफिनेटली श्योर कि इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने के लिए हो सकता है कि पॉसिबल हो, चेंजेस हो जाएं, लेकिन जो मैंने आपको बताया है 90% यही सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। हो सकता है अभी आपको इन चीज़ों पर विश्वास ना हो, लेकिन आगे चल के आप इन चीज़ों को फिर दोबारा से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो चीज़ें मैंने कही थी वही आपके सामने आ गई। तो फिजिकल के लिए आपको अभी अपनी तैयारी करते रहना है, क्योंकि भाई सिलेक्शन आप डिसाइड नहीं करोगे, सिलेक्शन TCS ही डिसाइड करेगा। मेरा मानना है कि अभी नेगेटिव ना हो कि सिर्फ आप उन्हें फिजिकल पे कंसंट्रेट करें और फिजिकल की तैयारी करते रहें, बहुत ज़्यादा तैयारी ना करें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी तैयारी करते रहें कि जिससे आपको समस्या ना हो, बस उससे प्रैक्टिस में आपकी सारी चीज़ें रोटन में रहें। तो देखिए कट ऑफ के बारे में मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ टोटल के कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली है, कैटेगरी वाइज बता चुका हूँ, विदाउट नॉर्मलाइजेशन बता चुका हूँ। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो यहाँ पे हो सकता है आपको 30 नंबर का ऊपर नीचे अप डाउन यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल सकता है, 30 नंबर ऊपर इंक्रीज डाउन बढ़ सकते हैं घट सकते हैं। रिजल्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जून के लास्ट तक आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। और फिजिकल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो आपका फिजिकल होगा वो लगभग जुलाई अगस्त तक आपका फिजिकल करवाया जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और भी कोई अपना डाउट रह गया होगा। अगर और भी कोई आपका डाउट रह रहा हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो करके कोई भी क्वेरी हो वहाँ पर आप मुझे बता दीजिएगा। मैं जितना जल्दी होगा वहाँ पर आपकी सब क्वेरीज़ का रिप्लाई कर दूंगा। तो रिजल्ट के बारे में, कट ऑफ के बारे में और आपके फिजिकल के बारे में ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। फिर दोबारा से मैं आपको एक और चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपका फिजिकल। फिजिकल के लिए भाई अभी से तैयारी करते रहना। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनके मार्क्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन फिजिकल की तैयारी ना होने की वजह से वो लोग बाहर हो गए और वो अभी तक पछता रहे हैं इस चीज़ को लेके कि काश हम अगर फिजिकल की तैयारी कर लेते तो 41,520 में ही सिलेक्शन ले चुके होते। तो इसलिए ये गलती आप ना दोहराएं, ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको पहले से ही सीख मिल गई है। तो इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी में जुटे रहें और फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर लें। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा। देखिए मैं बोर्ड तो हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको इतनी चीज़ें बता दूँ, लास्ट टाइम भी मैंने कट ऑफ बताई थी। हालांकि जो 2-4 नंबर से रह गए थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे ब्लेम किया, लेकिन ब्लेम भाई खुद को भी करना चाहिए, क्योंकि 2-4 नंबर भर्ती बोर्ड तो हूँ नहीं, आपको एक्सपेक्टेड यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर इतनी सारी चीज़ें अगर मैच होती हैं, उसमें से अगर कुछ थोड़ा बहुत 5% भी अप डाउन हो जाता है, तो उस चीज़ में मेरी तो कोई गलती है नहीं। मैं बस इसलिए आपको एक एक्सपेक्टेड बता दूँ, अगर मैं अभी आपको बताऊँ कि आपकी जो कट ऑफ होगी वो 260 प्लस जाएगी, तो कौन बंदा ऐसा होगा जो फिजिकल की तैयारी करेगा? बहुत सारे लोग तो डिमोटिवेट होकर फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे और उनके हाथ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को चांस मिले और ऐसी कोई गलती ना हो जिसकी वजह से आप अपना सिलेक्शन खो दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।